पुछन यार वीडियो कॉल हुई सी, हाल चाल अपने बच्चों का पुछता सी, मेरे बारे पुछता है मम्मी तू ठीक है? मैं ठीक है। बाद च फोन बंद हो गया, फिर नहीं सानू फोन। सलामी दे रहे ने, सलूट कर रहे ने, तस्वीरें जड़ियां ने। अमर रहेगा मनदीप सिंह, सदा अमर रहेगा। मेरे दो बेटे ने, वो भी देश की राखी करनगे अपने पिता वांग, वो भी देश की राखी करनगे। ते वो फर्ज निभाउंदे आ। मनदीप सिंह भी शहीद हो गया, ते सानूं इहदे ते माण आ, ते गर्व भी आ, ते दुख भी आ कि इन्नी छोटी उम्र दे विच अपने छोटे छोटे बच्चे छड्ड के चला गया। शहीद फौजी जवान मनदीप सिंह चट्ठा की मृतक दे इस समय पिंड चट्ठा विच पहुंच चुकी है। सन्मान जिहड़ा आ पिंड दे वासियां दे वल्लों जां इलाके दे जिन्ने भी मोतबर ने उह सारे ही इत्थे पहुंचे होए ने। परिवारक मैंबर जिहड़ा उह भी मान सत्कार दे लई पहुंचे होए ने, क्योंकि शहीद होया जवान, पांच जवानां दी जिहड़ी आ शहीदी होई आ जम्मू कश्मीर दे पुंछ इलाके दे विच, जिथे ये जवान सी अपनी ड्यूटी ते तैनात सीगे। इस जवान जिहड़ा मनदीप सिंह सीगा, इसकी जिहड़ी देह हैगी मृतक देह आ इस समय तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं कि इस समय इत्थे पहुँच चुके ने अपने पिंड चट्ठा दे विच। सो गल यही है कि कदों क तक इन्हां जवानां दियां जिहड़ियां ने शहादतां हुंदियां रहणगियां। तस्वीरां असीं तुहानू दिखा रहे उन्हां दे पिंड दियां, जिथे कि सारे ही इलाके दे निवासी जिहड़े ने उह पहुँचे ने उन्हां दा सत्कार दे लई। और तुसीं देख सकते हो कि जदों आर्मी हैगी आ उन्हां दे मृतक जी नूं पिंड विच लै के आई, किहो जिहा गमगीन जिहड़ा उह माहौल भी बणिया होया है। जिहड़ी शहीद जिहड़े हैगे आ मनदीप सिंह, उन्हां दी मृतक देह जिहड़ी आ उह घर पहुँच चुकी है। तस्वीरां दे ज़रिए तुसीं देख सकते हो। परिवारक मैंबर जिहड़े ने इस समय दुख भी बहुत है, क्योंकि एक परिवार दा जी चला गया। बेशक शहीद होया है जवान, बेशक माण भी है, परंतु उन्हां दी जिहड़ी एक हैगी है कि उन्हां दी कमी जिहड़ी आ उह पूरी, एक घाटा जिहड़ा आ उह पूरा नहीं हो सकता। ये तुसीं देख सकते हो कि इस समय उन्हां दे मृतक देह नूं घर विच लिआंदा गया, परिवारक मैंबर सारे जिहड़े इत्थे मौजूद ने। इस तों बाद अंतिम संस्कार जिहड़ा आ उह कीता जाणा हैगा आ पूरे सन्मानां दे नाल। सो हालात जिहड़े ने घर दे उह तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हां कि किस प्रकार दे ने। और गल फिर यही है कि अत्तवाद आखिर कदों खत्म होगा। बाकी ये हुण ना किसानां दे पुत्तर ने, ओ पुत्तर ने जिहड़े बॉर्डरां दे उपर शहीद हुंदे ने, शहादतां पाउंदे ने। सो ये गल भी बड़ी इत्थे कहणी बणदी है कि परिवार जिहड़ा हैगा आ किसानी नाल संबंधित है, और उही परिवार जिहड़े ने उहनां दे विच्चों ही बच्चे जिहड़े जांदे ने, और उही बच्चे बॉर्डरां दे उपर हिक तान के खड़दे ने और सीने 'च गोलियां खांदे ने, शहीद बणदे ने। उही परिवार ने जिन्हां नूं शायद जे असीं गल करदे हां तां किसानी दे विच जदों असीं एक गज्जन सिंह सीगे जवान जिहड़े के झंडे दे नाल किसानी झंडे दे नाल व्याहुण गए सीगे अपनी पत्नी नूं। सो ओ जवान सन, और उन्हां ने किसानी दा झंडा भी चुक्या, ते अत्तवाद दे खिलाफ लड़दियां होइयां शहादत दा जाम जिहड़ा उह भी पीता। और इह भी परिवार मनदीप सिंह हुणी भी ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਤੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
शनिवार वीडियो कॉल हुई सी, हाल चाल अपने बच्चों का पुछता सी, मेरे बारे पुछता है मम्मी तू ठीक है, मैं ठीक हाँ। बाद च फोन बंद हो गया, फिर नहीं सानू फोन आया। मैनू उस मेरे बच्चे दे बहुत मैनू माण आ जिहड़ा देश लई अपनी जान वार गया, कुरबान हो गया। हाँ जी, सवा महीने का उहदा छोटा बेटा होया कल, दूसरा 40 दिन का, दूसरा बेटा बहुत जी पुत्र मावां वास्ते बहुत ने, ये दुख दी घड़ी है। मर रहेगा मनदीप सिंह, सदा अमर रहेगा। मेरे दो बेटे ने, ओ भी देश दी राखी करनगे अपने पिता वांग, ओ भी देश दी राखी करनगे। मान महसूस हो रहा है जी, मान एक बने मान महसूस हो रहा है, ठीक है घाटा तुहानू पिया, वो ते कदे पूरा नहीं हो सकता, पर किते ना किते मान भी है। मैनू बहुत मान है, बरे जेड़ा सानू घाटा पिया है कदे पूरा नहीं होना, कदे पूरा नहीं होना। लास्ट कदों गल हुई सी तुहाडी, कदों गल हुई लास्ट? संडे नू 1 बजे दे करीब गल हुई है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫੋਨ, ਸੋਚੋ ਫੋਂਦਾ ਹੈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਬਸ ਕਰੋ, ਬਸ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਬਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੇਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਲਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੁੜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਅਤੇ ਗਰਵ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਖਰ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਛ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਣ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੋ ਦੂਜਾ ਉਹ ਗੇਟ ਜੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸੀ,
ते बाकी उदे छोटे छोटे बच्चे ने जो सरकार ने ऐलान किया वो जल्द तो जल्द पूरा होना चाहिए। ये पंजाब सरकार वालों ऐलान किया गया, कोई भारत सरकार वालों भी कोई ऐलान होया? नहीं, मतलब भारत सरकार वालों जो सर्विसबिलिटी जो फौज के जो उन्होंने डिफेंस के तौर पर उन्होंने वित्तीय मदद बनती वह सारी की जाऊगी। हाँ जी, वो सारी की जानी है। छोटा बेटा बहुत छोटा है उन्होंने, कोई महज 2 महीने का? नहीं जी, 40 दिन का होया जी, वो डिलीवरी तो हाँ जी डिलीवरी तो आए ही तो 26 सितंबर को छुट्टी कट के गए जी। सो ये परिवार जेड़ा उन्हां दा 2 बेटे ने, एक कोई 6-7 साल का है? 3 साल का जी, वड्डा बेटा 3 साल का, ये छोटा बेटा 7 महीने का। और बहुत छोटे बच्चे ने मनदीप सिंह दे, उन्हां दी कमी जेड़ी है, उन्हां दे परिवार दे विच जेड़ी कमी है वह कभी भी पूरी नहीं होनी। बेशक सरकारां उन्हां दे लई कुछ स्कीमां दिंदियां ने जां कुछ भी हुंदा है उहदा जरूर जेड़ियां पिंड दे विच जेड़ियां सहूलतां दित्तियां जाणियां ने उहनां दे नाम ते गेट बनना उह जरूर पूरियां करनियां चाहीदियां ने। परिवार दी मंग भी है तां होणियां भी जरूर चाहीदियां ने, परंतु उहनां दी कमी जेड़ी आ उह जिंदगी भर इत्थे पूरी नहीं हो सकती। उहनां दे परिवार च जिड्डा वड्डा घाटा पिया, परंतु इस दे नाल नाल फिर भी शहादत दा जाम जिहड़ा पीता है फखर दे नाल पिंड दा परिवार दा जिहड़ा सिर उन्होंने उच्चा किया है, पिंड दा नाम इस दे नाल रोशन किया है। मनदीप सिंह की मृतक देह जिहड़ी है उन्हां शमशान घाट दे विच पहुंच गई है। शहीद जवान मृतक सिंह तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं पिंड चट्ठा दे विच, इत्थे वड्डी गिणती दे विच लोक उन्हां नूं जिहड़ा है सन्मान देण दे लई पहुंचे होए ने। इत्थे त्रिपुर रजिंदर सिंह बाजवा, सुच्चा सिंह, उस तों बाद होर वड्डे जिहड़े लीडर ने उह वी पहुंचे होए ने, और आसे पासे दे इलाके दे जिहड़े लोक हैगे ने जिहड़े श्रद्धांजलि देण लई उह इत्थे पहुंचे होए ने। मनदीप सिंह दी बीते जो असी गल करते हैं तो 2 दिन पहला जिहड़ा सीगा जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके दे विच उत्थे ग्रनेड सुट्टिया जांदा, जिस दौरान 5 जवान जिहड़े उह शहीद हो जांदे, उन्हां चों मनदीप सिंह चट्ठा भी शामिल ने। उन्हां तों इलावा जिहड़े 4 होर जिहड़े पंजाब दे 3 पंजाब दे जवान ते 1 जवान यूपी ते 1 जवान जिहड़ा सीगा केरला तों शहीद होया सीगा। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हां, तुसीं देख सकदे हो कि सन्मान जिहड़ा आ उह इत्थे पहलां कीता जाणा मृतक देह दा, उस तों बाद फिर तुहानूं असीं जिहड़ा संस्कार है उह दिखावांगे। सब तों पहलां तां इत्थे सन्मान जिहड़ा आ उह कीता जा रिहा हैगा, तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हां। सो इत्थे जिहड़ा सन्मान हैगा आ उह कीता जाणा, तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हां असीं। मृतक जिहड़े शरीर हैगा आ पिछे लिआंदा जा रहा, फुल सन्मान दे तौर दे उपर फुल्लां दी वरखा कीती जा रही है, क्योंकि एक माण सन्मान दी गल है। सिख कौम दे विच बड़े जुझारू होए ने, इस पिंड दे विच वी बहुत जिहड़े शहीद होए ने, देश दी राखी दे लई इह नौजवान जिहड़ा आ उह शहीद होया है। सब तो पहला सलामी दिती जानी है, महज 30 साल की उम्र है नौजवान की, मनदीप सिंह की 2 बच्चे ने। सन्मान किया जा रहा है, परिवारिक मैंबर जड़े ने उसने जड़े ने वो तुसी देख सकते हो।
बच्चा छोटा जहा तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं, बेटा है उन्हां दा विच मौजूद हैगा आ, परा हैगा आ, पत्नी हैगी आ, दो महीने का एक छोटा जहा बच्चा हैगा आ, ये वड्डा बेटा हैगा उन्हां दा, दो बेटे ने मनदीप सिंह चट्ठा दे। भरा तुम देख सकते हो, ये भरा हैगा अमनदीप सिंह चट्ठा का, चंगी तरह जूम कर रहे इस चीज़ में गुरदेव। भरा दे वल्लों श्रद्धांजलि जिहड़ी है वह इत्थे दित्ती जा रही है। तस्वीर तुसीं देख सकते हो, सब तो पहला ये ब्रदर ने मनदीप सिंह दे, उन्हां दे भरा सो परिवार जिहड़े भरा ब्रदर ने उन्हां दे वह भी आर्मी विच ने, वह भी श्रद्धांजलि देने दे लई पहुंचे हुए। सो सब तो पहला उन्हां वल्लों ही श्रद्धांजलि जिहड़ी सी वह दित्ती गई है, आर्मी दे वल्लों जिहड़ी आ श्रद्धांजलि वह दित्ती जा रही है उन्हां नूं। नाइनटीन सिख दे वल्लों जिहड़ी आ श्रद्धांजलि दित्ती गई है, 19 सिख वल्लों।
उसके जोड़े भरा ने उसकी माता ने जोड़े वो इस समय तुम तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस समय श्रद्धांजलि जी भेंट कर रहे हैं उन्होंने भरा भी नाल ने मनदीप सिंह चट्ठा दी सो सलामी दे रहे ने सल्यूट कर रहे ने तस्वीर जड़िया ने तस्वीर तुम देख सकते हो कि उन्होंने वाइफ जी श्रद्धांजलि पेंट कर रही है इतने एक छोटा बेटा है दो महीनों का मनदीप सिंह चट्ठा की वाइफ ने सल्यूट कर रहे ने तुम देख सकते हो तस्वीर भरा भी नाल जुड़े ने सल्यूट कर रहे ने
तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जड़े ने श्रद्धांजलि देख रहे हैं, तस्वीर तुम देख सकते हो। तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा
चलो शॉर्ट्स ठीक है इधरों दूजे पासे वाले ले लेवी ठीक है सुन गया तेन ना मैं इधर चले गई इधर इधर सामने 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 आ दिखा मैं हाँ क्लोज करके लेवी शॉर्ट्स भरा से क्लोज कर भरा का पता है ना सामने जोड़ा सी पता है कि नहीं हाँ वो भरा क्लोज जाना दी वाइफ थे शहादत दुख इकट्ठे होने आए हैं दुख साझा करने आए हैं माड़ी गल है ये जी कार्रवाई है पाकिस्तान वालों कद बंद नहीं हो रही सेंटर सरकार जागना चाहिए ये बारे सोचना चाहिए पाकिस्तान में भी सोचना चाहिए भी इन्ह गलों जंग जीती नहीं जा सकती जंग जदों भी जीती जा जानी है वो टेबल पर बह के गल होनी चाहिए तो कतलो वगैरह जी बंद होनी चाहिए है साढ़े दोवें मुल्कों की लड़ाई गरीबी नाल होनी चाहिए है अनइंप्लॉयमेंट दोवें पासे है उसके बारे सोचना चाहिए बजाय कि गोलियां चला चला के कित नहीं असं पहुँच सकना सो इमरान खान को बड़ा सीरियस सोचना चाहिए ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਮਰਾਠੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ ਪਤਾ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਖ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ 50,00,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹੋਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦੀ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ
उस परिवार के बारे सरकारां नूं बहुत दूर तक सोचना चाहिए। अज तीन जवान साढ़े गए ने कारगिल की जदों की शहादत शुरू हुई आ जवानों की और देश की आजादी तो लैके जो पंजाबियों ने खून डोलिया उहदा आपां हिसाब नहीं ला सकते। पिछे राशि घट सी हुण 50 लाख की आ, पर मैं समझना कि साढ़े नौजवान फुल्लां वर्गे जवान वीर कईआं दी 2 साल भी सर्विस नहीं जिन्हां नूं इन्ने भारी औके थावां दे उत्ते धक्क दित्ता जांदा, इह डिस्क्रिमीनेशन भी आ। जिस रेशो दे नाल पंजाबियों की भर्ती हुंदी आ उस रेशो दे नाल ही साढ़े जवानों नूं ऐसे टास्क दे उत्ते घलना चाहीदा। ये नहीं कि जेकर शहीदियां होनियां तो वह पंजाबियों दियां होण, सिखां दियां होण। मौतां जिहड़ियां ने साढ़े घरां दे विच सत्थर विशन ते उन्हां दी कोई कदर ना कीती जावे, इस गल दा मैनूं जाती तौर दे उत्ते गिला आ। और मैं जदों दी कारगिल दी लड़ाई वेखदा आ साढ़े पिंडां दे बाहर गेट बने सानूं नज़र आउंदे आ साढ़े नौजवान बच्चों के, किसी की 22 साल की उम्र है, किसी की 24 साल की उम्र है। अज आ भी साडा जवान 30 साल का सी, वह रोपड़ वाला जिहड़ा आ वह 24 साल का सी, अजे उहदे 8 महीने होए विआह नूं। इस तरह कपूरथले वाला जवान सी। अज सरकारां सानूं 40-50 लाख रुपया दे के साडी उस शहादत का मुल नहीं दे सकदियां। घट तो घट सरकार नूं घट तो घट 2 करोड़ रुपया शहीदी जाम पी चुके जवान के परिवार को देना चाहिए। उन्होंने बच्चों की फ्री एजुकेशन जितों तक हो सके वो करन, उतों तक फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। उन्होंने माँ बाप के निर्वाह वास्ते पक्का जरा पेंशन पता लाना चाहिए ता कि शहीद होने वाला परिवार है जिन्हें परिवार ने शहीदी वास्ते बच्चा पेश किया भेट किया संसार दे, उस शहादत होने तो बाद उहदा परिवार महसूस करे कि साढ़े बच्चे ने शहादत का जाम पीता आ, पर साड़ी बांह साड़े देश ने साड़ी सरकार ने घुट के फड़ी आ, जिहदे नाल असीं आने वाली पुश्तां दे विच अपने आप नूं कायम रख सकांगे और साढ़े मन में जज्बा रहेगा कि साडा बच्चा जिहड़ा आ बार्डर दे उत्ते शहीदी जाम पी के गया। चलो वो उन्हां दे अपने रझेवे ने जी, सीएम साहब वो आ जाण ना आ जाण, पर सरकार नूं अपने वल्लों घट तो घट 2-2 करोड़ रुपया सारे शहीदां परिवारां नूं देना चाहीदा। जिहड़ा गिले दी गल कीती तुसीं, किवें भर्ती दे ते तुसीं रेशो, मैं किहा साडी साडी भर्ती 1% भी नहीं जी, साडी 2% जिहड़ी आबादी आ और साडे जवान जिहड़े ने 2 साल की भर्ती तो बाद गंभीर टास्कां ते भेजना कोई फर्ज नहीं बनता। और जिहड़ी कारगिल च लड़ाई हुई आ उत्थे भी साडे 22-22 साल के नौजवान जिहड़े ने, जिहड़े कुछ अजे कुआरे सी, किसी का 6 महीने विआह होया, वो सारे जिहड़े उत्थे धक्क दित्ते जांदे ने कि साडा जिहड़ा लहू सस्ता नहीं गा। असीं कहिंदे आ ये गल जिहड़ी आ, जे बाकी गल्लां दे विच भर्ती करन लग्गे रेशो गिणी जांदी आ ते जिहड़ियां इस गंभीर टास्कां दे उत्ते साडियां यूनिटां जांदियां वह भी उसे रेशो नाल जाणियां चाहीदियां ने, तां कि साडे मन विच इह ना आवे कि मुरन मरन नूं पंजाबियां दे पुत ने ते बुल्ले लट्टण नूं दूजे ने। कोई गुजरात का मरिया अजे तक, कोई दसो मरिया कोई गुजरात का? कोई गल नहीं गी, गल बेइंसाफी के खिलाफ है। मैं गल की जाति तौर पर क्योंकि दिल दिल रोंदा जो किसी पिंड के बाहर लंघी दा ना, उस बाहर जो गेट बनया हों कारगिल शहीद आ उदों मन नूं दुख आउंदा।